समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए मंगलवार को 3 प्रमुख रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विदर्भ के चिमूर में दोपहर 1 बजे रैली, उसके बाद शाम 4 बजे सोलापुर और शाम 6:30 बजे पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे में रैली का समापन में शामिल है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां 70 विधानसभा क्षेत्र है, भाजपा और उसके सहयोगी पारंपरिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी के गढ़ रहे, इस क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा समर्थकों में जोश भरने और अपना आधार मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर भरोसा कर रही है। विदर्भ एक और महत्वपूर्ण चुनावी मैदान है जहां 76 में से 36 सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इस क्षेत्र में 62 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा ने इस क्षेत्र में 47 उम्मीदवार उतारे हैं। उसे उम्मीद है कि यहां मजबूत प्रदर्शन से महायुति की सत्ता में वापसी की संभावना काफी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री की 20 सितम्बर और 5 अक्टूबर को वर्धा और पश्चिम की हालिया यात्रा ने कृषि, कपड़ा उद्योग और ओबीसी समुदाय के समर्थन सहित महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके फोकस को उजागर किया।